तो दर्शकों, अभी हम ऐसे प्रगतिशील किसान के यहाँ घर जा रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ मिर्ची और टमाटर की फसल लगा रखी है। और किसान भाइयों, आपको टमाटर और मिर्ची की खेती की जो उन्नत किस्म है और किस तरीके से आप टमाटर और मिर्ची की एक बढ़िया पैदावार ले सकते हैं, तो हम उस किसान से भी आपको मिलाएंगे। हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ राम प्रकाश चौधरी है और कृषि विशेषज्ञ कैसा राम जी भादू भी हमारे साथ में है। देखिए, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और ये मार्केट में आपके पास में 6 से 7 दिन तक ये आप पड़े रह सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। तो दर्शकों, अभी हम ऐसे प्रगतिशील किसान के यहाँ घर जा रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ मिर्ची और टमाटर की फसल लगा रखी है। और हमारे साथ में राम प्रकाश जी चौधरी हैं, कृषि विशेषज्ञ है, तो हम उस प्रगतिशील किसान के घर जाएंगे। और किसान भाइयों, आपको टमाटर और मिर्ची की खेती की जो उन्नत किस्म है और किस तरीके से आप टमाटर और मिर्ची की एक बढ़िया पैदावार ले सकते हैं, तो हम उस किसान से भी आपको मिलाएंगे। और अभी हम जो ये पश्चिमी राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, उसका जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ हम लोग चल रहे हैं और कुछ ही देर में हम उस किसान के खेत पर जाने वाले हैं और वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मिर्ची और टमाटर की खेती कर रखी है। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल CH नोगिया पवार एजुकेशनिस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं उस प्रगतिशील किसान के पास में और किसान हमारे साथ में ही है, उनसे अभी हम बात कराएंगे। अभी यहाँ इनके मिर्ची और टमाटर इन्होंने लगा रखे हैं और बैंगन भी है यहाँ, तो ये सब्जी का खेत है। दर्शकों, अभी जो आप लोग खेत देख पा रहे हैं, यहाँ टमाटर हैं, मिर्ची हैं, लौकी हैं और बैंगन भी है। तो हम इन प्रगतिशील किसान के यहाँ आए हैं और ये आप लोग जो खेत देख पा रहे हैं इन्होंने लगा रखा है। और अभी हम किसान से भी बात करेंगे और हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ राम प्रकाश चौधरी हैं, कैसा राम जी भादू हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ में शंकर लाल जी एक प्रगतिशील किसान है, गाँव है बिसासर, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर। और मैं सुरेश कुमार, सुरेश राजस्थानी, CH नोगिया पवार एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आप लोग फसल देख पा रहे हैं, ये है टमाटर की फसल। और ये आप लोग ये देखिए, ये इन्होंने टमाटर की फसल लगा रखी है। ये देखिए कितने ये शानदार, देखिए ये टमाटर हैं और कुछ टमाटर पक भी रहे हैं। और ये इन्होंने जमीन के ऊपर और ड्रिप सिंचाई के द्वारा इन्होंने ये देखिए, ये दर्शकों आप लोग ये देख सकते हैं, ये बाड़मेर जिला है, रेतीलो धोरों की ये मिट्टी है और उसमें इन्होंने यहाँ ये टमाटर की खेती कर रखी है। ये देखिए ये कितना शानदार, इन्होंने परंपरागत खेती छोड़ करके और इन्होंने ये इस तरीके की कई प्रकार की सब्जियां इन्होंने अपने खेत के अंदर लगाई है। दर्शकों, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए इस बूटे के ऊपर कितने टमाटर लगे हुए हैं। तकरीबन एक बूटे के ऊपर आप लोग मान के चलिए कि 5 से 6 किलो टमाटर इसमें है। और अगर आप बिसासर और सेडवा के अगर आसपास के रहने वाले हैं और सब्जी के व्यापारी हैं, तो आप यहाँ शंकर लाल जी की जो ये नंबर है, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप यहाँ से टमाटर और मिर्ची डायरेक्ट किसान के खेत से भी आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि किस तरीके से। और दूसरी बात भाइयों, कि इन्होंने जो ये खेती कर रखी है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। हम खुद यहाँ देख रहे हैं, हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ राम प्रकाश चौधरी हैं और कृषि विशेषज्ञ कैसा राम जी भादू भी हमारे साथ में है। ये स्वयं यहाँ आए हैं इनके खेत के ऊपर और ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती है। अगर आपको सब्जी बेचने के लिए अगर आपको चाहिए, तो आप इनसे डायरेक्ट
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नंबर हैं, आप उन नंबर के ऊपर फोन करके इनसे आप सब्जी का ये डायरेक्ट आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो ये जो टमाटर हैं, ये पूरी तरीके से देसी टमाटर हैं, अपने राजस्थान के टमाटर हैं और खाने में भी इतने बेहतरीन और स्वाद होते हैं, स्वाद के अंदर भरपूर होते हैं। और दूसरी बात, आप इन टमाटरों की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और ये मार्केट में आपके पास में 6 से 7 दिन तक ये पड़े रह सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। तो आप इन किसान से संपर्क करके और ये टमाटर आप खरीद सकते हैं और अपने दुकान के पर्पस से या आप मंडी के अंदर भी आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक खेती पर आधारित ये टमाटर है। दर्शकों, ये जो देसी टमाटर है, मैं भी इसको खा करके आपको इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है। दर्शकों, वास्तव में इसका जो टेस्ट है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना शानदार ऑर्गेनिक खेती का ये टेस्ट है। इस तरीके का टेस्ट वाला जो टमाटर है मैंने मेरे जीवन के अंदर नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया सर, बाजार से मार्केट से हर रोज टमाटर लाते हैं लेकिन ऐसा लगता है सर घास खा रहे हैं या टमाटर खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज ओरिजिनल टमाटर का टेस्ट आज मिला है। तो दोस्तों, बाड़मेर की धोरा धरती। दर्शकों, किसान भाइयों, इस तरीके से आप भी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और हमारे ये प्रगतिशील जो किसान है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे ये प्रगतिशील किसान है, जो भी व्यापारी वर्ग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से सब्जी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और शंकर लाल जी से आप डायरेक्ट फोन से बात करके यहाँ से सब्जी मंगवा सकते हैं। आप हमारे प्रगतिशील किसान शंकर लाल जी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और ताकि इनकी भी मदद हो और ऐसे ही इनसे प्रेरणा पाकर के बहुत सारे किसान अपने यहाँ खेती कर सकते हैं और ये सब्जी की बागवानी कर सकते हैं। शंकर लाल जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये कौन सी कंपनी का बीज लिया है, इस बीज का क्या नाम है? इसका नाम है सर अभिलाष। अभिलाष जी। अच्छा अच्छा, अभिलाष है इसमें और सजेंटा है, जूली है जी, 3-4 वेराइटी मैंने लगाई थी। हाँ हाँ, मैंने देखा कोई किसी में कम उत्पादन आएगा या अच्छा सेट होगा नहीं होगा, अच्छा इसलिए 2-3 वेराइटी मेरे। अच्छा, 2 से 3 वेराइटी इन्होंने यहाँ लगाई और अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं कि फसल इतनी है, केवल बस कमी है तो इनको तोड़ने की कमी है। अगर इनको प्रॉपर ढंग से यहाँ इनको तोड़ा जाए और मंडी तक भेजा जाए तो दर्शकों ये आपकी लाखों में आमदनी बढ़ा सकते हैं। और किसान ये हमारे साथ में है और आप लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक बूटा जो है वो टमाटर से लदा हुआ है और बहुत ही शानदार टमाटर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं प्रगतिशील किसान शंकर लाल जी के यहाँ ये टमाटर की खेती और ये ड्रिप सिंचाई के द्वारा इन्होंने कर रखी है और इन्होंने अपने खेत के अंदर कई प्रकार की इस तरीके की जो फसल है जिनके अंदर बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, ये सब इन्होंने लगा रखे हैं। तो ये देखिए कितना शानदार इन्होंने, ये बाड़मेर जिले का ये दृश्य है और आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार यहाँ टमाटर नजर आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से अपने जो परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ करके खेती में आप नवाचार कर सकते हैं और इस तरीके से आप सब्जी की बागवानी कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर किसान भाई शंकर लाल जी से बात करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नंबर हैं, आप वहां जाकर के इनके नंबर पर आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आप अपने यहां किस तरीके से आप सब्जी लगाएं उसके बारे में भी आप इनसे जान सकते हैं, इनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। दर्शकों, ये लास्ट में हम, ये हमारे प्रगतिशील किसान है शंकर लाल जी से बहुत बहुत इनका धन्यवाद कि इन्होंने अपने ये फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने ये अपने सब्जी का ये खेत हमारे को यहाँ शूट करने के लिए परमिशन दी। और बासा नमस्कार। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नए प्रगतिशील किसान के साथ में हम आपके सामने हाजिर होंगे और आपको खेती किसानी के बारे में और कुछ नई जानकारियां देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।